जिला चंबा में छोटे छोटे बच्चों द्वारा स्कूल की शिक्षा पर की गई एक लघु नाटिका जिसमें सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रखती है। इन अवोध बच्चों द्वारा कुछ तो हिंदी में तो कुछ अपनी भाषा में बोल कर दर्शाया है। ये खास नाटक किसी के दिल को छू लेने की क्षमता तो रखता ही है, तो वहीं सरकारी तंत्र व सरकार के झूठे दावों का भी पर्दाफाश करता है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा स्कूलों में की गई अध्यापकों की व्यवस्था और नेताओं द्वारा वोट के समय में किए जाने वाले वादों पर इन अवोध बच्चों द्वारा किया गया एक नाटक जिसका शीर्षक है कि दूर दराज के ग्रामीण इलाके में बने सरकारी स्कूलों में 60-60 बच्चों को पढ़ा रहा एक मास्टर आखिर क्या क्या करे। बताते चलें कि देश के अत्यंत पिछड़े जिले की गिनती में शामिल चंबा जिला के पहाड़ी क्षेत्र सुलनी के ग्रामीण इलाकों में सरकार द्वारा बच्चों को घर द्वार शिक्षा देने के लिए कई पाठशालाएं चलाई जा रही हैं, मगर अफसोस है कि उनमें से कुछ पाठशालाओं में अव्यवस्था का आलम इतना है कि 60-60 बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है, जिसके सहारे ये स्कूल चलाया जा रहा है। ऐसे में जहां एक अध्यापक क्लर्क का काम करे, दोपहर के भोजन का हिसाब रखे, साथ में पढ़ाए, तो वहाँ व्यवस्था कैसी होगी इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये सब इन अबोध बच्चों ने इस नाटक के माध्यम से बताया है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी जी, नमस्ते गुरुजी जी, नमस्ते नमस्ते। किस काम से आए हो चाचा? ये टिंकू जी ना इस साल अब ये सेट होते उठ गए, उठ गए। भाई मैंने क्या करना, मैं अकेला टीचर हूँ जी। 50-60 बच्चे हैं, मुझे ना हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। दफ्तर का काम होता है, रजिस्टर बनाने होते हैं, डाक बनाने होते हैं, मिड डे मील का काम होता है। मैं अकेला टीचर हूँ, मैं अकेला टीचर कैसे पढ़ाऊँ 60 बच्चों को? पूरे 60 बच्चे हैं यहाँ पर। आप ना अपने नेता से करो मां। नेता नु तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वोट मंगड़े बारी ने ना इया लार लागा ने ना ते मेरे बोलने ना कित क्यों कर ले। अबे तू सुन ने मेरी के तो आना दे, तो ये जो पढ़ाई जाओ बस ठीक है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए चंबा से सलेश शर्मा की रिपोर्ट।